दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर पे माई ड्यूज में मैंने क्लिक किया। अब देखिए मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल यहां पर टोटल ड्यू दिखा रहा है 7979 और मिनिमम ड्यू 1233। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मिनिमम ड्यू और टोटल ड्यू का क्या मतलब है। अगर आप टोटल ड्यू नहीं पे करें और सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर दे तो इससे क्या होगा, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आपने जो भी शॉपिंग अपने क्रेडिट कार्ड से की थी, आपका किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, ऐसा कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है, सभी पे ये जो है यहाँ पर लागू होता है। देखिए मैंने यहाँ पर 7979 की शॉपिंग की थी और कुछ पेमेंट पे विड्रॉल किया था। अब यहाँ पर टोटल ड्यू आ रहा है, उसके बाद ऊपर डेट दिखा रहा है कि इस डेट तक आपको पे करना है। अगर नहीं करोगे तो आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी यहाँ पर लगने वाली है। तो कई सारे ये लोग पूछ रहे हैं कमेंट करके कि मिनिमम ड्यू अगर हम पे कर दें तो क्या हमको पेनल्टी नहीं लगेगी। तो बैंक यहाँ पर आपको कहता है कि अगर आपके पास टोटल ड्यू नहीं है तो आप मिनिमम ड्यू का जो अमाउंट है वो पे करके आप पेनल्टी से बच सकते हो। लेकिन आपको इस चीज़ का एक यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो टोटल ड्यू है ये आपको नेक्स्ट मंथ आएगा, जो भी है टोटल ड्यू मतलब इसमें से जो आपका मिनिमम ड्यू है वो कट होके नेक्स्ट मंथ में आपको इंटरेस्ट के साथ में आएगा। 3-4% का इंटरेस्ट आपको देना होगा, उसके बाद ये टोटल ड्यू नेक्स्ट मंथ जनरेट होके आ जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको अगर पेनल्टी से बचना है तो मिनिमम ड्यू आप पे कर दीजिए, आपका जो ड्यू होगा टोटल वो नेक्स्ट मंथ आपको 3-4% का इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो 3-4% इंटरेस्ट आप दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मिनिमम ड्यू पे कर दीजिए, इससे क्या होगा कि आपके 500 रुपये पर डे की पेनल्टी भी बच जाएगी और आपको कुछ समय इस पर मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सभी दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प सके। और चलिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।